studyjaga.in. नमस्कार, स्टॉक एडवाइस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छा स्ट्रेटजी के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसमें लॉस बहुत ही मिनिमम होगा, मगर जो प्रोबेबिलिटी जो होता है दोस्तों, इसका सक्सेस होने का रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो को चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीका से काम करना है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप धीरे धीरे देखिए, आराम से देखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग किस तरीका से काम करना है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग को पहला जो इंडिकेटर रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग जो इंडिकेटर जो यूज करेंगे उसमें है, पहला है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज हम लोग को चाहिए 8 पीरियड का, जो आप यहाँ देख सकते हैं, या आप investing.com पे हम आपको इसका बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसका बहुत से रीज़न है कि हम investing.com को ही क्यों चुने हैं, तो उसका भी हम रीज़न बता देंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, तो और देखिए, इसमें और हम बताने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया हम लोग का मूविंग एवरेज, दूसरा है दोस्तों हम लोग जो कैंडल लिए हुए हैं, हेकेनासी है। ठीक है, हेकेनासी कैंडल लिए हुए हैं, और जो RSI है। ठीक है, ये एक RSI है। ठीक है, और टाइम फ्रेम दोस्तों ये देखिए 15 मिनट का है। ठीक है, 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम लिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें से हम लोग को काम किस तरीका से करना है, इस स्ट्रेटजी में हम लोग को किस तरीका से काम करना है। तो हेकेनासी आप जानते हैं कि ये मार्केट को एक दिशा, एक गति की गति को बताता है कि मार्केट किस गति में, किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, तो आप हेकेनासी वाला उस वीडियो को नहीं देखें कि हेकेनासी किस तरीका से कैलकुलेट करते हैं, उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस किस तरीका से होता है, क्योंकि जो हम लोग साधारणतर जो कैंडल यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक कैंडल स्ट्रेट पैटर्न। तो इसको हम किस तरीका से यूज करते हैं उसी को हम आज बात करने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप अगर उस आपसे अनुरोध है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हम ये बताए हुए हैं कि हम हेकेनासी को किस तरीका से क्लोज ओपन पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। और देखिए, हम यहाँ पे और बता देना चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ पे किसी का भी कुछ हम कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक पे हम अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो अब हम लोग इस पर काम किस तरीका से करना है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, 80 का ओवरबाउट है। ठीक है, ओवरसोल्ड जो है दोस्तों ये 20 का। ठीक है, अब देखिए, हम RSI का इस सेटिंग रखे हुए हैं, उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद हमको सिंपल से आप देख सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। यहाँ से हमको नहीं पता है कि मार्केट आगे क्या करेगा, मगर इस स्ट्रेटजी का है कि जब भी RSI 80 का ऊपर जाता है तो हम लोग को बाय तो करना ही नहीं है। अब वहाँ पे हम लोग को सेल का एक जो है दोस्तों, सेल का एक हम लोग को चांस देखना है कि का सेल का चांस बन रहा है या नहीं, शॉर्ट सेल करने का चांस बनता है या नहीं। तो कभी हम लोग को सेल तभी करना है जब ये 8 पीरियड का जो इसका क्लोजिंग है दोस्तों, एक पीरियड का जो मूविंग है एवरेज है, इसके नीचे क्लोज दे दे हेकेनासी। ठीक है, वो भी जो इसमें हम बताए हैं कि हेकेनासी का जो पहला प्रिंसिपल है कि कम से कम ये टॉप जो टॉप है वो फ्लैट होना चाहिए, और बाय के लिए हम लोग को ये जो बॉटम है वो फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीका से आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये यहाँ पर RSI भी 80 पे है, पहला कैंडल तो ये नहीं बना। ठीक है, अगर पहला कैंडल रेड में क्लोज होता है परंतु उसका जो है ऊपर जो दोस्तों जो टॉप होता है बॉटम जो टॉप है वो फ्लैट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको लोअर लो लगने देते हैं। अगर लोअर लो नहीं लग रहा है तो हम लोग उसमें सेल शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा इस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधा देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज तो दिया है, 8 का मूविंग एवरेज को क्लोज दिया, परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका लोअर लो नहीं लगा है, तो लोअर लो हम लगने का इंतजार करेंगे, तो नहीं लगा। तो चलिए अगला कैंडल को देखिए, तो अगला कैंडल यहाँ पे लगाया उसका बॉटम है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं 252 रुपया पे कहीं हम एंट्री किए होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि 252 पे किए हैं, देखिए प्राइस कहाँ आ गया, देखिए 250। ठीक है, 250 और देखिए क्या है, देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी हम आपको इसको आगे लेके चलेंगे किस तरीका से काम करना है। देखिए बात होती है कि बताते हैं कि तो मार्केट बंद में कुछ भी कोई कर सकता है, मगर देखिए स्ट्रेटजी दोस्तों, आप जो मार्केट में कुछ नहीं बनता, मार्केट में ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करके उसको जब मार्केट क्लोज होता है तो उस पर अप्लाई किया जाता है, उसको बैक टेस्ट किया जाता है, तब जाके एक स्ट्रेटजी बनती है।
तो उसी तरीका से हम कोशिश करते हैं, पहले हम जो है दोस्तों आपको जो मार्केट चलते रहता है उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हाँ है, उसके बाद हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, 6 महीना का हम देखते हैं, 3 महीना का देखते हैं, और बहुत से स्टॉक पे इसको लगा के देख लीजिए, देखे हैं, उसके बाद भी हम आपको बताते हैं। तो इस तरीका से इसमें हम लोग को करना है। तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट सेल करने के लिए हमको चाहे तो एक ऐसा चाहिए कैंडल जो 1 मूविंग एवरेज को नीचे क्लोज दे, और अगर ऐसा नहीं होता है मगर क्लोज में बंद होता है तो लोअर लो लगना चाहिए। लोअर लो लगने का मतलब दोस्तों एक का लो उसके लो के नीचे होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे नहीं लगा मगर इसका लो से देखिए, इसका जो इस कैंडल का लो, इस कैंडल पे हम बात कर रहे हैं, इस कैंडल का लो है जो ऊपर वाले कैंडल के नीचे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहीं इसका बनाएंगे और देखिए यहाँ पे कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ। उसी तरीका से देखिए अब हम लोग बाय कैसे करेंगे। बाय जब देखिए RSI एकदम 20 के बिलो आ गया, अब देखिए यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डोजी बन रहा है, डोजी बन रहा है, आपको उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप ऊपर देख के यहाँ पे भी इस लिंक से भी जा सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए कि हम कैसे हैकेनासी का यूज करते हैं, उसमें किसका क्या क्या उसका पैटर्न बनता है। तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को बाय के लिए क्या करना है, बाय के लिए भी सेम है। बाय के लिए आपको क्या करना है कि बाय के लिए भी आपको आपको पहला कि ऐसा कैंडल हम लोग को होना चाहिए जो 8 का जो मूविंग एवरेज हम लिए हैं इसके ऊपर क्लोज दे दे, और बाय के लिए उसका जो बॉटम है फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। उसका बॉटम में कोई भी ये जैसा शेडो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका देखिए, इसका बॉटम में है यहाँ पे शेडो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हाइयर हाई लगना चाहिए, ठीक है, हाइयर हाई लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइयर हाई नहीं लगा, क्लोज तो दिया इसके ऊपर मगर हाइयर हाई नहीं लगा, तो हम लोग यहाँ पे कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीका से आपको देखना है आगे। देखिए आगे अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल ने बॉटम बनाया, और देखिए इसका नीचे भी देखिएगा तो यहाँ पे इसका बॉटम जो है फ्लैट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अब मार्केट देखिए कहाँ ऊपर गया, देखिए क्या मार्केट ऊपर गया, देख लीजिए कहाँ तक ऊपर गया, देख लीजिए। तो आपको इसमें इसी तरीका से करना है, और इसका देखिए कि कम से कम 1:2 का यहाँ पे रखिएगा ही, कम से कम 1:2 पे ही काम करना है इस स्ट्रेटजी पे। तो आप इस तरीका से इसको कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे 80 पे था, देखिए पहला ही बॉटम बन उसका टॉप जो है फ्लैट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ से सीधा मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, देखिए क्या मार्केट नीचे गिरा। तो इस तरीका से दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो आप इसको एनालाइज कीजिए, इस पर बैक टेस्ट कीजिए, और इसको किस तरीका से यूज करना है अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहता है, और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो उसको लाइक कर शेयर जरूर कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक फटका है तो उनको इस समझ में आ सके कि नहीं ऐसा नहीं होता है, शेयर मार्केट में भी पैसा बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फ्लैट बना है, क्लोज दिया है ऊपर, अब कहीं पे आप ले लीजिए देखिए कहाँ तक तो ऊपर गया है, ठीक है। तो आप इसको कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे जानते हैं, जैसे डोजी वगैरह बनना शुरू हुआ तो वहाँ से अभी आप फट सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 1:1 भी है तो अगर आप डोजी वगैरह बनते देखें तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया, देखिए टॉप जो है फ्लैट है, और वहाँ से देखिए RSI 80 का ऊपर है, और देखिए मार्केट सीधा नीचे, ठीक है दोस्तों। इस तरीका से इस पे काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें कि इसी तरीका से आपको वीडियो देखते रहें, और दोस्तों सीखकर आप शेयर मार्केट से कुछ मुनाफा कमा सकें। तो आप जल्दी जल्दी हम दोस्तों आपको फंडामेंटल एनालिसिस का भी वीडियो यहाँ पर मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।